सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी पोके फैंस का इस नए वीडियो में। तो पोकेमोन में एक ऐसी चीज है जो इन प्यारे क्यूटी पोकेमोन को बड़े बेरहमी से पकड़े रखती है, जिसका नाम है पोकेबॉल। और ये अकेली लाल सफेद गेंद नहीं है, ना ना ना, इसके साथ इसके और भी साथी है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, यानी टाइप्स ऑफ पोकेबॉल्स इन पोकेमोन वर्ल्ड क्विक एक्सप्लेन। देखा कितने क्यूट पोकेमोन है। और ले 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 आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पोकेबॉल या फिर पोकेमोन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। नंबर वन, तो यारो जो फर्स्ट पोकेबॉल है वो नॉर्मल वाली है, इसके बारे में तो सभी को पता होगा। और ये लाल और सफ़ेद कलर की होती है और ये इजीली पोकेमोन शॉप्स में मिल जाती है, गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं, और ये सारे ट्रेनर्स को शुरुआत में मिल जाती है। नंबर टू, ग्रेट बॉल। सो गाइस, ग्रेट बॉल भी वही इजीली पोके शॉप्स में मिल जाती है और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग रहता है और इसका कैच रेट नॉर्मल पोकेबॉल से ज़्यादा होता है। नंबर थ्री, अल्ट्रा बॉल। इसका भी कलर थोड़ा सा अलग होता है और ये ऑब्वियसली इसका कैच रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रेट बॉल एंड पोके बॉल, और ये पोकेमोन शॉप में आसान से मिल जाती है। नंबर फोर, मास्टर बॉल। इसका कैच रेट होता है 100%, यानी बिना फेल हुए आप एक ही चांस में किसी भी पोकेमोन्स को पकड़ सकते हो, चाहे वो लेजेंडरी हो या फिर नॉर्मल हो। नंबर फाइव, डाई बॉल। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम ही होगा। हाँ, तो ये अंडर वाटर रहने वाले पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए स्पेशली बनाया गया है। नंबर सिक्स, फास्ट बॉल। अब आप लोग पोकेमोन्स गेम में खेले ही होंगे तो कभी कभार पोकेमोन कैच करते हुए भाग जाते हैं, समझो वो म्यूटू है और वो भाग गया तो लिखा आता है म्यूटू रन्स अवे। तो ऐसे पोकेमोन को पकड़ने के लिए फास्ट बॉल बेस्ट होती है। नंबर सेवन, बीस्ट बॉल। इस पोकेबॉल का यूज किया जाता है अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए। नंबर एट, डस्क बॉल। इस पोकेबॉल का यूज किया जाता है डार्क प्लेसेस पर, जैसे रात के समय या फिर किसी डार्क केव में। नंबर नाइन, हील बॉल। हमको पता ही होगा कि किसी भी पोकेमोन को पकड़ने के लिए हमें उसकी एचपी कम करनी पड़ती है, पर अगर पोकेमोन्स की एचपी आप कम कर दे और उसको हील बॉल से पकड़े तो वो अपने आप अपनी एचपी फुल कर देगा, यानी कि उसकी एचपी अपने आप रिस्टोर हो जाएगी हील बॉल की वजह से। नंबर टेन, लेवल बॉल। ये बात याद रखना कि जिस पोकेमोन से आप लड़ रहे हो उसका लेवल आपके पोकेमोन्स के लेवल से आधा होगा, यानी कि आपके पोकेमोन का लेवल 50 है तो उसका लेवल 25 होगा, तो इसी को बोलते हैं लो लेवल। तो ये लो लेवल पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए स्पेशली बनाया गया है। नंबर 11, लव बॉल। ये बॉल उन पोकेमोन को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है जिन पोकेमोन का जेंडर आपके पोकेमोन से अपोजिट हो, यानी आपके पोकेमोन का जेंडर मेल हुआ तो वाइल्ड पोकेमोन का जेंडर जिसे आप पकड़ना चाहते हो उसका जेंडर फीमेल होना चाहिए, यानी कि अपोजिट, तो इसके लिए ये बेस्ट पोकेमोन है। नंबर 12, फ्रेंड बॉल। अब कई बार ऐसा होता है कि पोकेमोन को आप पकड़ लेते हैं पर वो आपकी बात नहीं सुनता, पर अगर आप फ्रेंड बॉल यूज़ करेंगे तो आपकी बात भी सुनेगा और आपके और उसके बीच में एक अच्छा बॉन्ड भी बन जाएगा और वो आपकी फ्रेंडशिप भी बढ़ा देगा। और कई पोकेमोन होते हैं जैसे कि लुकारियो जो कि फ्रेंडशिप सेवल होते हैं, सो इट विल हेल्प यू। नंबर 13, मिस्ड बॉल। तो ये लेवल बॉल की तरह है, यानी कि आप इसे लो लेवल के पोकेमोन को पकड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर 14, लग्जरी बॉल। तो यह भी फ्रेंड बॉल की तरह ही है, फ्रेंडशिप बढ़ा देती है। नंबर 15, हैवी बॉल। तो ये पोकेबॉल स्नोरलैक जैसे हैवी पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए यूज की जाती है। नंबर 16, नेट बॉल। तो ये पोकेबॉल स्पेशली बग टाइप पोकेमोन को कैच करने के लिए यूज की जाती है। नंबर 17, मून बॉल। तो इस पोकेबॉल को उन पोकेमोन पे यूज़ किया जाता है जिनको मून स्टोन से इवॉल्व किया जाता है, जैसे कि नेडोरिनो, नेडोरेना, जिगलीपफ एक्सेट्रा। नंबर 18, लियोर बॉल। तो अपने पोकेमोन गेम्स में ही कभी कभार ये देखा होगा कि कोई ना कोई ओल्ड रॉड या फिर गुड रॉड दे देता है,
या फिर कोई सा भी फिशिंग रॉड। तो आप फिशिंग करते हुए जो पोकेमॉन मिलता है उसको पकड़ने के लिए आप ल्योर बॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 19 क्विक बॉल। आप अगर किसी वाइल्ड पोकेमॉन को अच्छी तरह एचपी कम करके या फिर बिना एचपी कम करे पकड़ना चाहते हो तो क्विक बॉल बेस्ट है। नंबर 20 प्रीमियर बॉल। तो ये पोकेबॉल नॉर्मल पोकेबॉल की तरह ही होती है, यानी कि ये थोड़ी सी रेयर होती है प्रीमियर बॉल, पर ये नॉर्मल पोकेबॉल की तरह इसके फीचर होते हैं और ये एक स्पेशल इवेंट के लिए बनाई जाती है। और अगर आप कई कई गेम्स में एक साथ 11 से ऊपर पोकेबॉल्स ले लेते हो तो आपको प्रीमियर बॉल फ्री में मिल जाएगी। नंबर 21 टाइमर बॉल। तो ये पोकेबॉल किसी भी वाइल्ड पोकेमॉन या फिर लेजेंडरी पोकेमॉन को 10 चांसेस के अंदर पकड़ लेगी। नंबर 22 रिपीट बॉल। तो समझो आपके पास एक लुकारियो है जिसका लेवल 25 है और आपके सामने एक दूसरा लुकारियो है जिसका लेवल 50 है, तो आपको उसे पकड़ना है, यानी कि सेम स्पीशीज वाले पोकेमॉन्स को। तो ऐसे सेम स्पीशीज वाले पोकेमॉन को पकड़ने के लिए रिपीट बॉल बेस्ट है। नंबर 23 चेरिश बॉल। तो ये बॉल भी नॉर्मल पोकेबॉल की तरह यूज़ की जाती है, नॉर्मल पोकेबॉल की तरह इसके फीचर होते हैं, पर ये स्पेशल इवेंट के लिए बनाई जाती है। नंबर 24 सफारी बॉल। तो इसका यूज़ सफारी जोन में किया जाता है सफारी जोन वाले पोकेमॉन को पकड़ने के लिए, और सिर्फ सफारी जोन में ही ये अवेलेबल होती है। नंबर 25 जीएस बॉल। तो ये पोकेबॉल बनाई गई थी सेलेबी का टाइम ट्रेवल रोकने के लिए, और इसके अंदर रहती है सेलेबी, और ये पोकेमॉन बाकी पोकेबॉल्स से बिल्कुल ही अलग और यूनिक है। सो गाइस, ये बात तो हो गई एनिमे और गेम्स में दिखाने जाने वाली पोकेबॉल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ अनोखी डिफरेंट पोकेबॉल्स के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमे में दिखाए गए हैं। नंबर 26 ग्रीन बॉल। सो ग्रीन बॉल एनिमे में दिखाई जाने वाली सबसे पहली पोकेबॉल है। तो ये पोकेबॉल का रंग ग्रीन क्यों है? तो पोकेमॉन के कुछ एपिसोड है जो कि बैन हो चुके हैं उसमें ये एज ए सफारी बॉल यूज़ की जाती है। हाँ, और एश ने इसको अपने टोरोस पकड़ने के लिए भी यूज़ किया है। नंबर 27 नेम बॉल या फिर थंडर बॉल। स्टार्टर पोकेमॉन के पोकेबॉल के ऊपर उनके जापानीज नेम और पिकाचू के बॉल के ऊपर उसका थंडर का साइन, ये क्यों दिया गया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उनका नाम पता करने में आसानी हो, यानी कि कोई भी नया ट्रेनर है तो उन्हें चुनने में ज़्यादा मुश्किल ना हो और उसे पता चले कि कौन सा पोकेमॉन कौन से पोकेबॉल के अंदर है। नंबर 28 इविल टीम्स बॉल। अब ये पोकेबॉल बनाए जाते हैं एक स्पेशल टीम्स के लिए, जैसे कि टीम रॉकेट का पोकेबॉल जिसे बोलते हैं रॉकेट बॉल, और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जैसे कि टीम मैग्मा बॉल, टीम एक्वा बॉल और टीम प्लाज्मा बॉल। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop. So, हमने टोटल 32 पोकेबॉल्स के बारे में बात की है। So, नंबर 33 है वो है जाइगेंटामैक्स पोकेबॉल। तो इस पोकेबॉल के बारे में मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा उस स्पेशल, और मैं उस पूरे वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूंगा। So, that's it for this video. And also guys, in another video, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद आएगी तभी तो लाइक कर देना। और आई थिंक इट फॉर दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।